के मुताबिक जनवरी 2024 में देश के चावल निर्यात में 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये संस्था पाकिस्तान में विदेशी व्यापार के आंकड़े जारी करती है। निर्यात किए जाने वाले चावलों में एक महत्वपूर्ण प्रकार बासमती चावल का है। पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात में जनवरी के महीने में 64% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। एक ओर पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है, तो दूसरी ओर उसकी तुलना में भारत से बासमती चावल के निर्यात में कमी देखी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में भी भारत से बासमती चावल के निर्यात में कमी का अनुमान है। दूसरी ओर पाकिस्तान से इसके निर्यात में वृद्धि जारी रहेगी। दुनिया भर में चावल भेजने के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, जबकि पाकिस्तान चावल निर्यात करने वाले 10 बड़े देशों में शामिल है। दुनिया के विभिन्न देश बासमती चावल केवल भारत और पाकिस्तान से खरीदते हैं, क्योंकि चावल की ये विशेष और खुशबूदार किस्म इन दो पड़ोसी देशों में ही पैदा होती है। चावल निर्यात करने वालों के संगठन पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चेला राम केवलानी ने BBC को बताया कि पाकिस्तान में चावल की करीब 90 लाख टन उपज होती है। उनका कहना है कि इस उपज में से आधा यानी 45 लाख टन बासमती और बाकी दूसरे किस्म के चावल होते हैं। 45 लाख टन बासमती में से करीब 30 लाख टन बासमती चावल की खपत पाकिस्तान में खुद ही है। बाकी करीब 15 लाख टन बासमती चावल को दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान $2.5 अरब का चावल निर्यात किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 7 महीनों में $2.2 अरब का चावल निर्यात हो चुका है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत के चावल निर्यातक बासमती चावल के निर्यात में कमी की आशंका जता रहे हैं। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की फरवरी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भारत के चावल निर्यात में कमी आई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 के महीने में भारत से चावल के निर्यात में जनवरी 2023 की तुलना में 3.3% की कमी आई है। भारत में इस वित्तीय वर्ष के 7 महीनों यानी जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के दौरान चावल के निर्यात में कुल मिलाकर करीब 8% की कमी दर्ज की गई है। इन 7 महीनों में भारत से चावल का निर्यात $8.90 अरब से घटकर $8.20 अरब का हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान से बासमती चावल के निर्यात में इजाफे की बड़ी वजह भारत की ओर से अगस्त 2023 में बासमती चावल के निर्यात का न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करने का फैसला था। अगस्त 2023 में भारत सरकार ने बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य $1200 प्रति टन तय किया था। इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक इस फैसले का एक हद तक पाकिस्तानी निर्यातकों को फायदा हुआ। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी तौफीक अहमद के मुताबिक भारत ने अगस्त 2023 में निर्यात मूल्य को बढ़ाकर $1250 प्रति टन कर दिया और इस फैसले का फायदा पाकिस्तान को हुआ। इसके बाद पाकिस्तान को निर्यात के अधिक ऑर्डर आने शुरू हो गए। तौफीक कहते हैं कि हालांकि भारत ने बाद में इस निर्यात मूल्य को कम करके $950 प्रति टन कर दिया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी निर्यातकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उपमहाद्वीप में बासमती चावल की उपज का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। इसकी पैदावार उपमहाद्वीप के खास क्षेत्रों में ही होती है। यहाँ पैदा होने वाले बासमती चावल का अलग जायका और खुशबू है। इसकी उपज का ऐतिहासिक क्षेत्र चिनाब और सतलज नदियों के बीच का हिस्सा है। पाकिस्तान में सियालकोट, नारवाल, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरावाला, मंडी, बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के जिले बासमती चावल की पैदावार के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर भारत में पूर्वी पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर के इलाकों में ऐतिहासिक तौर पर इसकी खेती की जाती है।